बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं विवाद? उम्मीद है सब खुश होंगे और मज़े मज़े के खाने बना के खाते होंगे। मैं हूँ मारिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने कुकिंग चैनल मीना कुकिंग चैनल में। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड के मज़ेदार से स्नैक्स। ये आप सुबह नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, दिन को चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। झटपट आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आइए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 6 अदद मैंने ब्रेड लिए हैं, पानी लिया है इनको भिगोने के लिए, ऑयल लिया है इनको फ्राई करने के लिए, सोया सॉस लिया है जो मैंने घर में बनाया था और जिसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, लाजमी उसे चेक कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बना था। हाँ, 1 चम्मच सुरख मिर्च लिया, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च लिया और 1 चम्मच नमक लिया, धनिया लिया, प्याज लिया 1 अदद, 2 चम्मच टमाटो सॉस लिए, 2 अदद सब्ज मिर्च लिए, 3 खाने के चम्मच चावलों का आटा लिया, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, और 5 चम्मच गंदम का आटा लिया। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में मैंने पानी लिया और इस तरह इसमें ब्रेड को अच्छी तरह भिगो लिया और अब इसे अच्छी तरह इस तरह निचोड़ लेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए, पानी अच्छी तरह निकाल देना है। ये देखिए इस तरह दूध सारे ब्रेड्स को इस तरह भिगो लेना और फिर इसका पानी जो है वो निचोड़ लेना अच्छी तरह। सारे ब्रेड इस तरह करके फिर आपसे मिलती हूँ। ब्रेड हमने सारे सॉक कर लिए, अच्छी तरह इनका पानी निचोड़ लिया। इसका मकसद यह था कि इसमें से ज़्यादा निकल जाए। अब इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल कर लेंगे। चावलों का आटा शामिल करेंगे, गंदम का आटा शामिल करेंगे, सुरख मिर्च, धड़ा मिर्च और नमक शामिल करेंगे, सोया सॉस शामिल करेंगे, केचप शामिल करेंगे, सब्ज मिर्च शामिल करेंगे, सब्ज धनिया शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपसे मिलती हूँ। हमारा मटेरियल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब हम इसके जो है वो टिक्की बना लेते हैं। हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, इस तरह थोड़ा सा ये मटेरियल लेंगे और जो है इस तरह इसे कोई सी भी शेप दे सकते हैं आप, गोल दे सकते हैं, शामी की तरह दे सकते हैं इसका शेप, ये आप पे हार्ट बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। इस तरह सारी जो है वो हम बना लेंगे। ऑयल लाजमी लगाना है हाथ को वरना हाथों से ये चिपकेगा, ऑयल लगाने से ये हाथों को नहीं चिपकेगा इस तरह।
सारी बना के मैं आपसे मिलती हूँ। जी हमने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पैन चढ़ा लिया है चूल्हे पे, इसमें ऑयल डाल देंगे। और चूल्हे पे आग जला लेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। इन्हें अच्छी तरह फ्राई करके साइड चेंज कर लेंगे। पहले एक साइड फ्राई करेंगे और फिर दूसरी साइड। एक साइड फ्राई होने के बाद आपसे मिलती हूँ। 2 मिनट हमने एक साइड से पकाया, अब इसे साइड को चेंज कर देंगे सारी टिक्कियों की। बहुत प्यारा कलर आया है, अब इस तरह सारी टिक्कियों की साइड चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ से भी 2 मिनट पकाएंगे। हमारी टिक्कियों को 2 मिनट हो चुके हैं और ये अब पक गई हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे एक एक करके। अब इस तरह बाकी की भी फ्राई कर लेते हैं। सारी फ्राई करके आपसे मिलती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा आप, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे आपको बर वक्त मिल सके। ये देखें, आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।